उन्होंने पहले वादा किया था, सेकेंड ईयर से भी वादा किया था और फर्स्ट ईयर से वादा किया था कि मैं जीएसटी पर एक लेक्चर आप लोगों को दूंगा। और सो नाउ वी आर हियर फॉर द लेक्चर ऑन जीएसटी, ए न्यू टैक्स रिजीम व्हिच हैज कंप्लीटेड इट्स वन ईयर एंड नाउ देयर आर मेनी मोर टू थिंक अबाउट ऑन द रोल ऑफ जीएसटी इन द इकोनॉमी। कहाँ तक ये सक्सेसफुल रहा, कहाँ तक ये नहीं सक्सेसफुल रहा, इन सब पर हम लोग बात करेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए दो चीज है यहाँ पर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सबसे पहले हम लोग तो टैक्स की बात करें, फिर गुड्स की बात करते हैं, फिर इसके बाद हम सर्विस की बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं टैक्स। व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज दैट कंपल्सरी पेमेंट व्हिच हैज नो क्विड प्रो क्वो, अर्थात टैक्स वह अनिवार्य भुगतान है जिसमें लिया तो जाता है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, आप कुछ भी इससे आपको प्रत्यक्ष लाभ नहीं हो रहा है, बल्कि जो कुछ भी हो रहा है वो सरकार की नीतियों और उनके कार्यक्रमों के माध्यम से आपको इनडायरेक्ट लाभ हो रहा है। तो टैक्स को हम कहते हैं, देखिए जब हम कोई फीस देते हैं तो उसके बदले में हम कोई सर्विस पाते हैं, जब हम कुछ पेमेंट करते हैं तो उसके बदले में कोई सामान पाते हैं, लेकिन जब टैक्स देते हैं तो उसके बदले में हमें डायरेक्टली कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसीलिए टैक्स का जो डेफिनेशन है, टैक्स इज दैट कंपल्सरी पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट व्हिच हैज नो क्विड प्रो क्वो। तो अब देखिए हम बात करते हैं कि गुड्स और सर्विस, हिंदी बड़ी कठिन है, हिंदी में बहुत ज्यादा मत जाइएगा इसको, जो सरकार का ट्रांसलेशन है वस्तु एवं माल कर है, वस्तु को माल कहते हैं, तो माल एवं सेवा कर ये इंडियन बजट में लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम गुड्स एंड सर्विस भी कहेंगे, वस्तु एवं सेवा कर ही कहेंगे। तो इंडियन बजट को ना ध्यान में रखते हुए हम लोग चले गुड्स पर टैक्स। गुड्स पर टैक्स जो लगाते हैं वो राज्य सरकारें लगाती हैं और केंद्र सरकार भी लगाती है। ध्यान देने की बात है कि गुड्स पर टैक्सेस राज्य सरकारें भी लगाती हैं और केंद्र सरकार भी लगाती है, लेकिन सेवाओं पर कर केवल केंद्र सरकार लगाती है। सर्विस टैक्स इज लेवीड ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसलिए वन टैक्स वन नेशन या वन नेशन वन टैक्स को रियलिटी में लाने के लिए सरकार ने गुड्स और सर्विस टैक्स जो विभिन्न सरकारों द्वारा अलग अलग ढंग से लगाई जाती थी, अपने अपने तरीके से लगाई जाती थी, उनको एक साथ मिला दिया और वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा को लागू करते हुए गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया। ध्यान दीजिएगा जीएसटी विश्व के 165 देशों में लागू है, लेकिन अगर आप इसको सर्च करने जाएंगे तो आपको कहीं पर ये जनरल सेल्स टैक्स के नाम से मिलेगा, तो कहीं गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से मिलेगा, कहीं पर डुअल जीएसटी के नाम से मिलेगा, तो कहीं पर आपको ये जीएसटी और वैट दोनों एक साथ दोनों रूपों में लागू है। तो ये अलग अलग देशों में, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान, यहां पर जीएसटी को गुड्स एंड सर्विस टैक्स ना कह करके जनरल सेल्स टैक्स कहा जाता है और वहां पर इसकी दर 18% है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज प्रपोज्ड टू द टू बी लेवीड एट ऑल स्टेजेस राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चर अप टू फाइनल कंजम्पशन
with credit or taxes paid at previous stage available as set forth in a nutshell. Only value addition will be taxed and burden of tax is to be borne by the final consumer. थोड़ा समझने की बात यहाँ पर आ रही है. डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. व्हाट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स? अभी तक जो टैक्स लगता था वो हर स्टेज पर लगता था. हर सरकार, मान लीजिए अगर हम एक बात कहें, वैट की बात करें, सेल वैट की बात करें, अगर आपने एक सामान खरीदा तो सामान खरीदा मान लीजिए यूपी से, टैक्स पेमेंट फाइनल कर रहे हैं आप यूपी में, लेकिन अगर उस सामान को बनाने में लगने वाला कच्चा माल मान लीजिए बिहार से आया हुआ है या कलकत्ता से आया हुआ है, तो एक बार टैक्स वहां कलकत्ता में उसको देना पड़ेगा, यानी पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, दोबारा उसको टैक्स यूपी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, यानी वैट दोनों जगह लगेगा. पश्चिम बंगाल में दिया हुआ टैक्स एक, अभी आप आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा, एक इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात होती थी, जब वैल्यू एडिशन पर हम टैक्स लगाते थे तो वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगने के बाद आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते थे कि जो हमने पिछला टैक्स रॉ मटेरियल पर दिया है वो सिर्फ वैल्यू एडिशन पर लगना चाहिए. लेकिन वैट की ये सबसे बड़ी कमी थी कि अगर दो राज्यों से आपने सामान खरीदा, पश्चिम बंगाल से सामान खरीदा और यूपी में बना करके बेच रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको यूपी में नहीं मिलता था, इसलिए डबल टैक्सेशन हो जाता था. अभी आपको एग्जांपल से जब आगे समझाएंगे तो और समझ में आएगा, लेकिन यहां पर आपको ध्यान देने की बात यह है कि ये ध्यान देना है कि दो राज्यों के बीच वैट के केस में या सेल्स टैक्स के केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था. दूसरा, वैट में जब लगता था या सेल्स टैक्स जब लगता था, सेल्स टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेल्स टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिस्टम था ही नहीं. वैट में इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिस्टम था, लेकिन वहां पर भी टैक्स ऑन टैक्स, जिसको हम कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं, वो प्रॉब्लम एक थी. इसलिए सरकार ने उन दोनों समस्याओं का निदान करते हुए यहां पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स की व्यवस्था को लागू किया. तो फाइनल कंजम्पशन पर, अब ये जो टैक्स लगता है वो फाइनल कंजम्पशन पर लगता है. फाइनल कंजम्पशन में बेनिफिट उसी राज्य को होगा जहां पर कंजम्पशन ज्यादा होगा, यानी जहां पर उस प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट जहां पर सेल किया जाएगा वहां पर कलेक्ट किया हुआ टैक्स केवल उसी राज्य को ही जाएगा. यानी जो बेनिफिट है वो है कंज्यूमर स्टेट को, ना कि प्रोड्यूसर स्टेट को. तो इस तरह से ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है. अभी तक जो टैक्स स्ट्रक्चर था इंडिया में, दो तरीके का टैक्स स्ट्रक्चर था, है अभी भी है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. पहले समझने वाली बात यह है कि डायरेक्ट टैक्स क्या है. डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसको हम, जिस पर लगाया जाता है उसी से वसूलते हैं, जिस पर ये इंपोज किया जाता है उसी से वसूलते हैं. मतलब यह है कि ही कैन नॉट शिफ्ट द टैक्स टू अदर्स. डायरेक्ट टैक्स में वो टैक्स को शिफ्ट दूसरे पर नहीं कर सकता है जिसे लगा, जिस पर ये आरोपित किया गया, जिस पर ये इंपोज किया गया है, दैट पर्सन विल पे, सच एज इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स. दोनों टैक्स ऐसे हैं जो आपकी आय है उसी पर इंपोज किया गया और उसी पर आपको देना है. इनडायरेक्ट टैक्स इज दैट टैक्स विच कैन बी शिफ्टेड टू द कंज्यूमर्स. हम दूसरे लोगों पर शिफ्ट कर देते हैं और अल्टीमेट शिफ्टिंग किस पर जाता है, प्रोड्यूसर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर. तो फाइनल कंज्यूमर, कंज्यूमर तक इनडायरेक्ट टैक्स को हम शिफ्ट कर देते हैं. यानी इनडायरेक्ट टैक्स इज दैट टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन द सेलर आर प्रोड्यूसर, बट इट इज
collected from the final consumer. So GST will come in the indirect tax receipt. GST is a part of indirect tax receipt, not the direct tax receipt. So indirect tax में क्या क्या आता है? Central tax में excise, which is imposed on the production, service tax, which is imposed by the services. अच्छा, आप से एक सवाल मेरा है कि सर्विस टैक्स कौन सा ऐसा राज्य है इंडिया में जहां सर्विस टैक्स नहीं लगता? जम्मू एंड कश्मीर. वेरी गुड, वंडरफुल. कस्टम, कस्टम ड्यूटी तो आपको पता होगा कहां लगता है. इंपोर्ट्स पर लगने वाला जो टैक्स है उसको हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी. स्टेट कौन कौन से टैक्स लगाता है? वैट, यानी वैल्यू एडिशन टैक्स. एंट्री टैक्स, जब एक राज्य से सामान लेकर के आप दूसरे राज्य में जाते हैं तो उसको एंट्री टैक्स कहते हैं. एंट्री टैक्स डिफर्स फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट. ये स्टेट का विषय है कि वो एंट्री टैक्स यानी अपने राज्य में सामान बेचने के लिए कितना रखे. ये स्टेट इस पर कानून बना सकता है. लग्जरी टैक्स, इट इज इंपोज्ड ऑन दैट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज व्हिच कम्स इन द हाई क्लास और लग्जरियस आइटम्स सच एज हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स, बहुत महंगी गाड़ियां, बहुत महंगे होटल जैसे 5-star या 7-star होटल या एयर सर्विसेज, ये सब जो होते हैं ये लग्जरी टैक्स के अंतर्गत आते हैं. सिनेमा, एंटरटेनमेंट टैक्स कहलाता है. सिनेमा जो आता है, मूवी जो आप देखते हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये भी राज्य का विषय है. एंटरटेनमेंट टैक्स राज्य सरकारें लगाती हैं, जो इसमें मेंशन नहीं है लेकिन आपको बता दें. एंड लॉटरी टैक्स, बहुत सारे राज्यों ने अब लॉटरी टैक्स बंद कर, लॉटरी ही बंद कर दिया है तो टैक्स कहां से लगेगा. तो इसलिए अब लॉटरी टैक्स को आप केवल, अभी क्योंकि सरकार ने इसको अभी हटाया नहीं है, खत्म नहीं किया है, लेकिन लॉटरी ही खत्म हो गई तो टैक्स अपने आप खत्म होने की बात आई जाती है. अगर आपको कुछ थोड़ा सा और जानना है तो आप ये जान सकते हैं कि एंट्री टैक्स की शुरुआत वर्ष 2000 में किया गया था और सेनवेट की शुरुआत, सेनवेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2000, सेल्स टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1957, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सेंट्रल एज वेल एज स्टेट, एंड एक्साइज ड्यूटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1985. एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, इसमें स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स दो भागों में बांटा गया है. यहां हम आपको थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी क्लियर करते चलें. आप सेंटर उन्हीं विषयों पर, उन्हीं चीजों पर टैक्स लगा सकता है जो सेंटर के अधीन आते हैं. यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन तरह की लिस्ट होती है, सेंटर लिस्ट, केंद्र सूची, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, और कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची. सेंट्रल लिस्ट वो लिस्ट होती है जिस पर केंद्र कानून बनाता है, नियम बनाता है, और सभी राज्य उसको मानने के लिए बाध्य होते हैं. सेंटर के बनाए हुए कानून ही फाइनल रूल्स माने जाते हैं, फाइनल कानून माने जाते हैं. सेंटर के विषय पर स्टेट कभी भी कोई कानून नहीं बना सकता. स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो स्टेट लिस्ट में मेंशन है, वो विषय पर राज्य सरकारें अपना अलग अलग अपनी विधानसभाओं के माध्यम से कानून बनाती हैं और राज्य सरकारें उसको लागू करती हैं.
समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिस पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, बोथ द मेक द रूल्स एंड इट इज कंपल्सरी टू इंप्लीमेंट बाय बोथ स्टेट एज वेल एज सेंटर। सेंटर को भी लगाना मानना, सेंटर तो बनाया ही होता है तो सेंटर भी मानता है और इसको स्टेट भी मानने के लिए बाध्य होते हैं। यानी कंकरेंट लिस्ट पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो यहां पर जीएसटी को ना तो सेंटर की लिस्ट में रखा गया है ना स्टेट की लिस्ट में रखा गया है, इसको कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है। इसीलिए मैं इतनी देर से आपको बता रहा था ये कंकरेंट लिस्ट में है। यानी अभी तक जो टैक्स के कानून बनते थे जैसे सर्विस और इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स था या एक्साइज या सिनवेट था तो इस पर केंद्र कानून बनाता था और स्टेट का जो कानून था जैसे वैट एंट्री टैक्स लग्जरी टैक्स और एक्साइज ड्यूटी इस पर राज्य कानून बनाते थे और इन पर जो कानून बना करके लागू किया जाता था उसको मानने के लिए राज्य केंद्र बाध्य नहीं होता था। लेकिन अब कंकरेंट लिस्ट में केंद्र कानून बनाएगा और राज्य उसका अनुमोदन करेंगे। बी केयरफुल लिसन, केंद्र कानून बनाएगा राज्य अनुमोदन करेंगे इसके बाद वो लागू होगा। तो देयर इज ए लिटिल बिट ट्विस्ट इन द इंप्लीमेंटिंग दिस जीएसटी रिजीम। एक प्रॉब्लम और हुई थी जिसकी वजह से जीएसटी को लाया गया था। जीएसटी लाने का एक प्रॉब्लम यह होता था कई बार डुअल टैक्स सिस्टम लागू हो जाता था। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर या आईटी इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोडक्ट था जिस पर केंद्र कहता था दिस इज अ सर्विस, सिंस सॉफ्टवेयर इज ए नॉन टेंजिबल एसेट सो इट कम्स अंडर द सर्विसेज, नॉन टेंजिबल एसेट है तो ये किस में आएगा, सर्विसेज में, और उस पर सरकार केंद्र सरकार सर्विस टैक्स लगाती थी। एंड स्टेट्स, जिस स्टेट में ये जिस स्टेट में इसकी का इसका प्रोडक्शन होता था या जो जहां से ये प्रोड्यूस किया जाता था बनाया जाता था वहां पर स्टेट कहता था सिंस यू आर प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट टू योर कस्टमर्स देयरफॉर इट इज ए प्रोडक्ट, आप इसको बेच रहे हैं और बेचने में ये आप कस्टमर से इसका एक दे करके सामान और ले रहे हैं, ऑल्दो इट इज ए नॉन टेंजिबल एसेट बट इट सिंस यू आर प्रोड्यूसिंग इन माय स्टेट therefore it is a product, तो product हुआ और इस पर हम लगाएंगे excise duty। अब problem ये हुई कि एक product है जो center का रहा service है, state का रहा है product है और उस पर दोनों tax लग रहे हैं। After coming the GST, this problem was resolved। अब ये problem resolved हो गई कि चलो आप इसको या तो सर्विस मान लो या गुड्स मान लो और उस पर केवल एक टैक्स लगेगा। तो जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री थी सबसे ज्यादा तो सबसे डायरेक्ट बेनिफिट उसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को हुआ है। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, हमने जो बताया जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद कुछ टैक्स ऐसे हैं जो रिप्लेस किए जाएंगे और कुछ टैक्स ऐसे हैं जो सब्ज्यूम किए जाएंगे। दोनों का अर्थ अलग अलग है इसलिए जब क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है तो आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। जो ध्यान नहीं दे रहे हैं वो फिर से ध्यान दे लीजिए, वर्ड्स क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बड़े मायने रखते हैं। हमने जो वर्ड्स रखे हैं बड़े सोच के हमने नहीं रखे, सरकार ने रखे हैं। देखिए यहां सब्ज्यूम वर्ड यूज किया गया है और पीछे वाली स्लाइड में रिप्लेस वर्ड यूज किया गया है। आप लोग जनरली पढ़ते हैं कि जीएसटी इन टैक्स को रिप्लेस कर देगा,
इनकी जगह पर जीएसटी लगाया जाएगा। पहले तो आप समझ लीजिए कि कुछ टैक्स ऐसे हैं जिनको रिप्लेस करेगा, कुछ टैक्स ऐसे हैं जिनको सब्ज्यूम करेगा। सब्ज्यूम का मतलब होता है समाहित कर लेना, ठीक है। रिप्लेस करने का मतलब है उसको उसको हटा करके इस टैक्स को लगाया जाएगा। तो जितने भी टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज टेक्सटाइल्स एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स कॉमनली नोन एज सीबीडी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, सर्विस टैक्स, सेस ऑन एंड सरचार्ज इन सो फार एज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये ऐसे टैक्स हैं इनको रिप्लेस करेगा। एक वर्ड में सामान्य रूप से आप समझ सकते हैं, दिस विल रिप्लेस ऑल दोस टैक्स व्हिच आर लेवीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट इट विल सब्ज्यूम यानी समाहित करेगा ऑल उन टैक्सेस को टू ऑल दोस टैक्सेस which are imposed by the state governments. State government कौन-कौन से टैक्स लगाती है? State VAT, Central Sales Tax, Purchase Tax, Luxury Tax, Entry Tax, Entry Tax, इन सब के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ पिछली स्लाइड्स में। Entertainment Tax मैंने आपको पहले ही बताया कि Entertainment Tax is the subject of state government. Taxes on advertisements, hoarding, paper में जो दिया जाता है, एडवर्टीजमेंट ऑन रेडियो, ध्यान रखिएगा एडवर्टीजमेंट ऑन द दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो इज द मैटर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। बी स्पेसिफिक, यहां पर ये लिखा हुआ जरूर है और आप ये जानते हैं कि एडवर्टीजमेंट स्टेट का विषय है, लेकिन एडवर्टीजमेंट वो जो पेपर में होता है और होर्डिंग पर होता है वो एडवर्टीजमेंट स्टेट का विषय है, और जो दूरदर्शन पर होता है या ऑल इंडिया रेडियो पर होता है वो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। तो ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है। ये यहां पर टैक्सेस ऑन लॉटरीज, हमने पहले कहा लॉटरी खत्म हो गई है, बेटिंग शर्त लगाना, सट्टेबाजी जिसको कहते हैं, एंड गैम्बलिंग जुआ, बहुत फाइव स्टार सेवन स्टार में गैम्बलिंग थोड़ी बहुत हो जाती है। स्टेट सेस एंड सरचार्जेस, ऑक्ट्राय, ऑक्ट्राय तो जानते होंगे चुंगी, तो चुंगी, इन टैक्सेस को आप सब्ज्यूम करने का मतलब है इसको समाहित करेगा कौन? जीएसटी, जीएसटी को समाहित करेगा। चलिए जीएसटी की जर्नी ये देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको कैमरामैन जूम करे और लोगों को जरा सा दिखाने की कोशिश करें। इन 2000 में पीछे नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, मैं पढ़ लेता हूं, पढ़ने से आपको एक हिस्ट्री पता चल जाएगी कि जीएसटी की शुरुआत हुई कैसे थी। इन 2000 पीएम वाजपेयी सेट अप ए कमेटी टू ड्राफ्ट जीएसटी लॉ। इन 2004 ए टास्क फोर्स कंक्लूड्स जीएसटी मस्ट बी इंप्लीमेंटेड टू इंप्रूव करेंट टैक्स स्ट्रक्चर। उन्होंने अपना कंक्लूजन दिया था जो कमेटी बनाई गई थी 2000 में, 2004 में उन्होंने कंक्लूजन दिया कि जीएसटी को लागू करना चाहिए, लेकिन तब तक वाजपेयी जी की सरकार 2004 में चली गई और किसकी सरकार आ गई? कांग्रेस की, बिल्कुल सही। तो फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोजल जीएसटी इंट्रोडक्शन फ्रॉम अप्रैल 1, 2001, और इसके बाद 2011 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल टू इनेबल जीएसटी लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2011। ध्यान रखने की बात यह है, थोड़ा सा भी आगे आप चलके मैं आपको और बताऊंगा, इट वाज द बिल व्हिच वाज नोन एज द 115 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, अगर आप लोग बात करेंगे तो फिर मेन चीजों से भटक जाएंगे। यहां ध्यान देने की बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट शब्द यूज किया गया है,
वाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हमने अभी आपको बताया कंकरेंट लिस्ट में है, केंद्र सरकार बना दे कानून, कॉन्स्टिट्यूशन में जो संशोधन करना पड़ रहा है इसके लिए, जीएसटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो करना पड़ा इसके लिए, इसलिए अमेंडमेंट करना पड़ा, हमने शुरुआत में ही, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होता कि शुरुआत में ही हमने कहा था कि कुछ विषय केंद्र के होते हैं और कुछ विषय राज्य के होते हैं, तो राज्य के विषय पर केंद्र कानून नहीं बना सकता और केंद्र के विषय पर राज्य कानून नहीं बना सकता, लेकिन जीएसटी में कानून केंद्र ने बनाया और उसको जो अनुमोदित कर रहा है वो राज्य कर रहा है। यानी देखिए, हमने शुरुआत में कहा गुड्स एंड सर्विस, सर्विस इज द मैटर ऑफ सेंटर, गुड्स इज द मैटर ऑफ स्टेट, तो गुड्स पर अगर कानून बनाना है तो सेंटर ने बड़ी आसानी से बना दिया, बट सर्विस पर कानून स्टेट नहीं बना सकता, इसलिए यहां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी, क्योंकि जीएसटी तभी लागू हुआ है जब सभी राज्य सरकारों ने इसका अनुमोदन कर दिया है, तो राज्य सरकारें इस पर कानून नहीं बना सकती थी, राज्य सरकारें इसको कैसे अपने यहां कानून बना करके लागू करेंगी, इसको अनुमोदित कैसे करेंगी, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का अमेंडमेंट लाना पड़ा, और ये बिल था 115वां, लेकिन 115वां बिल जो था वो पास नहीं हो सका, क्यों, हम 2012 में आते हैं, स्टैंडिंग कमेटी बिगिंस डिस्कशन ऑन जीएसटी बट स्टोर्ड इन ओवर क्लॉज 2798 2798 बी, स्टैंडिंग कमेटी टेबल्स इट्स रिपोर्ट ऑन जीएसटी, जीएसटी बिल इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट बाय फाइनेंस मिनिस्टर, जीएसटी बिल पास इन लोकसभा बट इन 2015, जीएसटी बिल पास इन लोकसभा बट नॉट पास इन राज्यसभा, और जीएसटी यहां पर आपको ध्यान देने की बात है कि 2014 में जो 115वां बिल था वो लैप्स हो गया था, कारण क्या था, 115वां बिल 115 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल which was introduced in Lok Sabha was not, could not be passed and it was lapsed. क्यों lapsed हुआ था, इसकी चर्चा अभी आगे हम करते हैं, कि कोई भी बिल, संविधान संशोधन बिल या कोई भी बिल कब lapsed हो जाता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, कोई भी बिल कब लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, कोई भी बिल कब राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है और कोई भी बिल लैप्स कब हो जाता है, इसी तरह हम अगले स्लाइड में करते हैं। इन 2015 जीएसटी बिल पास इन लोकसभा बट नॉट पास इन राज्यसभा, इन 2016 जीएसटी एक्ट गोज लाइव, 2016 अमेंडेड मॉडल जीएसटी लॉ पास इन बोथ हाउसेस, प्रेसिडेंट गिव्स एसेंट, राष्ट्रपति ने सहमत दे दिया, 17 में फोर सप्लीमेंट्री जीएसटी बिल पास इन लोकसभा एंड अप्रूव्ड बाय कैबिनेट, एंड आफ्टर दैट राज्यसभा पासेस फोर सप्लीमेंट्री जीएसटी बिल्स, फाइनली जीएसटी वाज इंप्लीमेंटेड ऑन July 1, 2017, ये डेट आप याद रखिएगा, 1 जुलाई 2017 को आखिरकार ये सभी स्टेट में लागू हो गया था, और सबसे पहला स्टेट कौन सा था जहां पर ये लागू किया गया था, बेंगलुरु, कौन सा स्टेट सबसे पहला था जहां पर जीएसटी लागू किया गया था, इसलिए मैं कहता हूं आपसे ध्यान पूर्वक लेक्चर को सुनिए, आसाम और बिहार, फर्स्ट नंबर पर असम था और सेकेंड नंबर पर बिहार था, जहां पर 2016 में जीएसटी को लागू करने की सहमति, यानी नॉर्ड, यानी आप कह सकते हैं कि एक प्रस्ताव सरकार ने दिया था, तो असम पहला राज्य था जिसने अपनी सहमति व्यक्त की थी जीएसटी के साथ,
और बिहार सेकंड नंबर पर था जिसने अपनी सहमति व्यक्त की थी जीएसटी को लागू करने के लिए। लेकिन जीएसटी बिल पास होने के बाद तेलंगाना पहला राज्य था जहां पर जीएसटी को लागू किया गया था। सेकंड नंबर पर था बिहार और पांचवें नंबर पर था उत्तर प्रदेश। और आज भी जहां जीएसटी नहीं लागू है वो है जम्मू एंड कश्मीर। हाँ ये तो मालूम होगा। चलिए उस हिस्ट्री को थोड़ा और हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन 122 यानी 122वां अमेंडमेंट बिल द कॉन्स्टिट्यूशन 101 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। ध्यान दीजिए, फोटोग्राफी बाद में करिएगा, जो मैं बता रहा हूं पहले वो ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, बिल और एक्ट में अंतर होता है। जब कोई प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे बिल कहते हैं, चाहे वो कानून बनाने का प्रस्ताव हो और चाहे वो संविधान संशोधन का प्रस्ताव हो। जब लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो उसको बिल कहते हैं। लेकिन जब वो पास होकर के और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए जाता है और राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देते हैं तो उसको एक्ट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिल तो 122वां था, एक्ट 101, यानी 21 बिल ऐसे होंगे जिनको राज्यसभा ने या लोकसभा ने पास नहीं किया है। हमेशा ध्यान देने वाली बात है ये, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। बजट 2006-07 में जीएसटी बाई अप्रैल 2010 अनाउंस सब्सिक्वेंटली पावर्ड कमेटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर टॉस विद ड्राइंग ऑफ रोड मैप एंड डिजाइन। अप्रैल 2008 इसी हेडेड बाई देन वेस्ट बंगाल फाइनेंस मिनिस्टर असीम दास गुप्ता, नोट कर लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, असीम दास गुप्ता सबमिट्स रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, अगर कुछ लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज को जरूर नोट कर लें। असीम दास गुप्ता वाज द मैन हु हेडेड द एम्पावर्ड कमेटी ऑन जीएसटी व्हिच ऑफर्स इट व्यू ऑन कमेंट्स इन अक्टूबर एंड दिसंबर टू दैट ईयर। जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स आर देन सेट अप टू एग्जामिन ऑप्शंस ऑन एग्जम्पशन एंड थ्रेशोल्ड taxation and service and interstate supply. November 2009 Empowered Committee releases its first discussion paper. March 22, 2011 the constitutional 115 amendment bill is introduced in Lok Sabha, is referred to parliament.